बहन आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिवानी कपूर है। रहने वाले आप कहाँ के हो? दिल्ली के। आपकी मम्मी है? हाँ जी, मोहिनी कपूर। उनकी उम्र 71। हाँ जी। तो स्टार्टिंग में क्या दिक्कत हुई थी और आपने ट्रीटमेंट कहाँ कहाँ से लिया था? LNJP हॉस्पिटल है दिल्ली में, वहाँ पे मैंने मेरी मदर को यहाँ पर टंग पे एक छाला सा हुआ था वो दिखवाया था। तो उन्होंने कहा था हमें कैंसर लग रहा है, तो उन्होंने बायोप्सी की थी, उसमें रिजल्ट आया था कि इनको टंग कैंसर है। बहुत टाइम तक उन्होंने बहुत सारे टेस्ट करवाए, तब तक में वो काफी बढ़ चुका था, पूरी जीभ पर फैल गया था। और उन्होंने लास्ट में ये बोला था कि इन्हें एडमिट करके इनकी जीभ काटनी पड़ेगी और जो इसके कीटाणु होते हैं इस जगह पे उसको भी काट के निकालना पड़ेगा। ये पूरा हिस्सा, मतलब इसका पूरा हिस्सा काटना पड़ेगा। ठीक है जी। उसकी भी शॉर्टी नहीं थी, वीकनेस काफी थी उनको, 71 एज है, बहुत वीक है ये। तो वो श्योर नहीं थे कि ये ठीक होंगी नहीं होंगी, क्या रहेगा, दोबारा भी हो सकता है ये भी उन्होंने कहा था, क्योंकि उन्होंने कहा था जम्स रह जाते हैं। ऑपरेट करवाने को ही थे बट कोई इमरजेंसी केस आ गया तो उन्होंने वापस भेज दिया। उसके बाद मैं दोबारा गई हूँ अगले नेक्स्ट वीक, दोबारा एडमिट हुई है, फिर वापस भेज दिया। तो हमें लगा कि अब नहीं, अब हमें कहीं और जाना चाहिए, क्योंकि तब तक बहुत बढ़ चुका था, पूरी जीभ पर आ चुका, काफी फैल चुका है ये। पूरी जीभ पर थी नहीं, और ये इनकी बाद में ठीक होने के बाद की थी। और कई लोग बोलते हैं कि हमें रिपोर्ट्स दिखाओ, फिजिकली कंडीशन को नहीं मानेंगे, रिपोर्ट्स को मानेंगे। तो मैं तो फिजिकली मानता हूँ जी, मैं रिपोर्ट नहीं मानता। तो उस समय जो आपकी माता जी की जीत तुमने थाई, और क्या क्या दिक्कत थी? एक्सट्रीम लेवल का पेन था, कमजोरी बहुत थी, सिर्फ और सिर्फ दूध लेती थी, उसके अलावा और कुछ नहीं ले पाती थी। गले में प्रॉब्लम होती थी कुछ भी लेते वक्त, और पानी भी वो नॉर्मल पानी नहीं पी सकती थी, गर्म पानी पी सकती थी, वो भी सटकने में उनको दिक्कत होती थी। बहुत ज्यादा स्वेलिंग था जी। हाँ, थूक नहीं जा पाता था अंदर, सब हाथ में ही रहता था, तो मतलब उनको हर वक्त हैंकी रखना पड़ता था। हाँ जी, हाँ जी। और सबसे बड़ी बात, जख्म बहुत बड़ा था तो बहुत दर्द में रहती थी वो, उसकी वजह से रात भर नहीं सोती थी, तीन तीन चार चार दिन तक सोती नहीं थी वो। उन्हें लगता था कि मैं आज नहीं तो कल जाने वाली हूँ। कीमो से भी बहुत डरी हुई थी वो, कीमो नहीं लेना चाहती थी। उनके कुछ फ्रेंड्स वगैरह ने कीमो करवाई है, उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, कुछ नहीं रहे दुनिया में, तो उस वजह से वो बहुत डर रही थी। तो जब अंदर से नहीं था तो हम भी बहुत जनों से सुना कि कीमो की वजह से दिक्कतें बहुत आती हैं, हम भी पॉजिटिव नहीं थे कीमो को लेके। फिर मैं होम्योपैथिक गई, वहां से भी मुझे कुछ रिजल्ट नहीं मिला। फिर मैंने आपकी वीडियोस देखी, उसके थ्रू हम यहाँ पर। तो अभी कितना फर्क लगा आपके पेशेंट को, जैसे फिजिकली कंडीशन में? जीप तो देखा ही मैंने, सो पा रही है सबसे बड़ी बात, आराम मिल रहा है उनको, पॉजिटिविटी आई है उनके अंदर कि हाँ मुझे जो जीने की मेरी उम्मीद खत्म हो गई थी वो वापस जाग गई है, तो उनको है कि हाँ वो जिएंगी। आपको खुद भी लग रहा है? मेरे को भी लग रहा है। 20-25 दिन में ना हल्का हल्का सारा जख्म हटना चालू हो गया था उनका, पूरा ही। वो तो एकदम हमने देखा, हम भी शॉक हो गए थे। मम्मी क्लीनिंग कर रही थी टंकी, तब उन्हें दिखा कि कुछ बचा ही नहीं है, तब उन्होंने हमें दिखाया, हम भी शॉक हो गए थे कि एकदम इतनी जल्दी इतना फर्क कैसे आ गया। अब तो नहीं लगता कि ऑपरेशन कराने की जरूरत पड़ेगी? नहीं। बड़ा तकलीफ होता है लोगों को कि हमसे पैसे लूट लिए गए। आपको लगा आपसे मैंने कहीं गलत तरीके से पैसे ले लिए? एक बात और, कितने पैसे ले लिए थे मैंने फर्स्ट टाइम आपसे? 6,700। तो उसमें भी मैंने बोला था कि 20 दिन में अगर आपको मामा को कुछ आराम मिलेगा तभी हम आगे आपको दवाई देंगे, वरना हम आपको दवाई नहीं देंगे। नहीं देंगे। देखो आज क्या होता है कि इस पैसे को लेकर भी लोगों को मन में बातें हैं कि यहाँ पर हमसे लूट लिया गया। मैं तो बोला गया पेशेंट कि यहाँ पर आप आ रहे हो किस कंडीशन में आ रहे हो? जब यहाँ पर बड़े बड़े डॉक्टर हाथ खड़े कर देते उसके बाद आते हो। बिल्कुल ठीक है। उसमें मैंने जो आपसे मान लो ले भी लिया 7-8-10 हज़ार का, अलग अलग पेशेंट होते हैं, कई बार मेडिसिन बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि जहां पर आप गए हो डॉक्टर के पास, आपने कितने पैसे लगा दिए थे अपने पेशेंट पर? जो गवर्नमेंट था वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में था, तो उसमें अच्छा, पैसे अच्छा। तो ऐसा कुछ, अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल ना होता और आपको प्राइवेट में जाना पड़ता तो जो आपने जांचें कराई तो अप्रोक्स को लगा लो कितने पैसे लग जाते हैं? 10-20 लाख रुपए, और मेरे पास पैसे तो है नहीं। 20 लाख वहां पर लग गए तो किसी को अफसोस नहीं है, एक छोटी सी बात है, क्योंकि एक जांच होती है पेट, वो 25,000 की होती है। हाँ जी। 15 से 25,000, लेकिन उसमें भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं नहीं कहता कि मैं सबको ठीक कर दूंगा, मैंने कभी नहीं बोला कि मैं आपको सबको ठीक कर दूंगा, मैंने बोला कि मैं पेशेंट को ठीक करने की प्रयास करूंगा। 30 दिन में आपको मेरी दवाइयों पर नहीं असर लगता तो मैं आगे नहीं चलाऊंगा। तो मैंने एक ही बात बोला कि यहाँ पर जो भी वीडियोस देख के आ रहे हैं जिनको ऐसा लगता है कि यहाँ पर गलत तरीके से ट्रीट किया जाता है, आज के बाद आप मेरे पास मत आना। कई लोगों ने बोला कि भैया इसमें MRP नहीं है, MRP डाल सकता हूँ बड़ी अच्छी तरह, लेकिन उस प्रोसेस में जाने के लिए आपको पता है ये खर्चा कहाँ से आएगा? ये तो आप ही से बियर होगा। मैं नहीं चाहता, हाँ अगर आप लोग एग्री हो कि सर इसको कर दो आप, यही मेडिसिन आपको 25 से 30 हज़ार पर जाएगी, ये खर्चे मैं आप ही से लूंगा। यहाँ पर कितना टाइम लगा था आपको? मैंने समझाया था, बताया था, मैंने 200 रुपए ओपीडी लिया आपसे। हाँ जी। 200 रुपए में आपको कितना टाइम दिया मैंने समझाने में? सर मैं 10 बजे आई थी, 4 बजे गई। उसके बाद भी बोला था अगर आपको समझ में आता है मेरी बातें तो मेडिसिन ले जाना, लेकिन आपको लगता है कि मेरे को आपकी बातें समझ में नहीं आई तो यहाँ से मेडिसिन लेके मत जाना, और ये 200 रुपए भी वापस ले जाना। ये ऑनलाइन ओपीडी मैंने इसीलिए बनाई कि लिमिटेड बंदे आ सके। अगर एक दिन में 50 और 100 लोग इकट्ठे हो गए तो ना तो आपको मैं समझा पाऊंगा, नहीं आप मेरे को समझ पाओगे। इसके बाद नेक्स्ट डे का टाइम देते हैं कि आप दूसरे दिन। आज मैंने बताया था पेशेंट को तो ठीक करूंगा ही, आज के बाद आप लोगों को भी दिक्कत नहीं आएगी, बोला था ना जी। तो आपको भी लगा ना, आप शाम खाना कितने बजे खाते हो?
सर मैं तो नौकरी करती हूँ तो मैं जल्दी नहीं खा सकती, झूठ नहीं बोलूंगी। चलो मैं तो ये कोशिश करूंगा कि आगे आप लोग, मैंने समझा है वो चीज। दांत किससे साफ कर रहे हो आप? दातून से, वो सबसे बंद कर दिया। नहीं तो मैं बोला वो भी नहीं मिलता तो नमक तेल हल्दी बोलो। हाँ जी। तो आज जिस विज्ञान को लेकर लगा आपको कि आज टंग ऑपरेट करना पड़ता, माता जी का कंडीशन क्या हो जाती, आज आप क्या मैसेज देना चाहोगे लोगों को आप अपनी तरफ से? तो सर बहुत खुश हूँ, मुझे लगा था मेरी मदर नहीं बचेंगी, बट आज वो जी रही है, उनके अंदर से था। हम लोग पूरी रात रोते रहते थे माँ बेटियाँ कि पता नहीं कब आखिरी दिन आ जाए उनका, और मैं बहुत दुखी थी इस चीज से क्योंकि मेरा एक वही सहारा है, वो है मैं हूँ, हम दोनों ही है बस। तो मैं यहाँ आई हूँ, मेरी मदर अब ठीक होना स्टार्ट हो गई है, ऑलमोस्ट 80% वो रिकवर कर चुकी है, सिर्फ 20% बाकी है, हल्का फुल्का जो उनका रह गया है वो भी मैं अभी दवाई ले जाऊंगी तो इससे भी कवर हो जाएंगे, इट्स नॉट कॉस्टली एट ऑल। और गारंटी तो नहीं है? हाँ गारंटी तो किसी चीज की नहीं, हमारी ही नहीं है। हाँ, ये छोटी सी बात है। हाँ, कि मैं नहीं कहता कि 12-15 हज़ार दे के आपका हर बंदा ठीक हो जाएगा, मैं तो इसी भी एक ही बात बोला कि गलती क्या करी आप लोगों ने उसको ठीक करना। जी ठीक है बहन।